जी ये आ गया आपका YPZ DX 2022 मॉडल ब्लैक कलर में। बात कर लें तो रेड कलर में भी कलर सेम सी ग्रीन है, लेकिन जो ब्लैक का सो व्हाट्स अप पीपल, दिस इज आर्यन खान एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो यार आज मैं आया हूँ और कि मैं रोड हॉस्पिटल का ट्यूजडे का आज डेट है 22 फरवरी 2022। मैं यहाँ के शोरूम पे यामाहा का YPZ DX 2022 मॉडल, तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। कलर इनके पास सिर्फ अनफॉर्चुनेटली ब्लू कलर अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं यहाँ और देखूँगा शायद कहीं ना कहीं जो है वो ब्लू कलर अवेलेबल हो जाए। लेकिन मैंने कहा कि आपको साथ साथ ब्लैक और रेड कलर का भी दिखाऊँ, तो चलिए अंदर चलते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा है। ग्राफिक्स का डिज़ाइन भी सेम है, सिर्फ कलर चेंज किया था, तो चलिए चलते हैं आपको दिखाता हूँ। तो जी ये आ गया आपका YPZ DX 2022 मॉडल ब्लैक कलर में। यहाँ पे इन्होंने जो कलर का चेंज किया है वो यहाँ पे इन्होंने सी ग्रीन सा कलर दे दिया है। ये थोड़ा सा जो कैमरे में ब्लू लग रहा है, लेकिन ये असल में एक्चुअली ब्लू नहीं है, ये सी ग्रीन सा कलर है। और जो स्टिकर का डिज़ाइन है वो तकरीबन ऑलमोस्ट सेम है, आप देख सकते हैं जो स्टिकर का डिज़ाइन था, मतलब के जो ग्राफिक्स थे वो सेम रखे गए, लेकिन ग्राफिक्स के कलर को चेंज कर दिया गया। और यहाँ पे हम साइड कवर में देखें तो साइड कवर में यामाहा का जो इन्होंने कलर है उसको गोल्डन कर दिया ताकि थोड़ा सा ज़रा खूबसूरत लगे। बाकी यहाँ पे भी ये सी ग्रीन सा कलर है और यहाँ पे भी सी ग्रीन सा कलर है। बाकी फ्रंट टायर साइज और सब कुछ चीज़ें वही हैं, स्पीडोमीटर भी सेम है, कोई और कोई किसी किस्म का चेंज नहीं है। लेकिन ये DX का कलर जो है वो चेंज है, और ये इसमें यहाँ पे इन्होंने ये चेंज दे दी, ये है ब्लैक कलर में। और अगर हम रेड कलर की बात कर लें तो रेड कलर में भी कलर सेम है, सी ग्रीन है, लेकिन जो बैक का पिछला टैंक का कलर है वो रेड हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा आपको जो है वो रेड कलर की आउटलाइन देखने को मिल जाती है ब्लैक के साथ साथ, जो कि एक उसका ब्लैक और दूसरा रेड का ना कॉन्ट्रास्ट अच्छा बन रहा है। साइड कवर में बात कर लें तो साइड कवर में भी इस तरह यामाहा का इस तरह गोल्डन कलर का यामाहा लिखा हुआ है, और इस तरह जो है ये पैचिंग जो है वो सारी इसकी चल रही है, इस तरह सी ग्रीन चल रहा है। यार मैं आया हूँ दूसरी जगह दूसरे शोरूम पे, यहाँ पे ब्लू कलर मुझे मिल गया। मैं आपको ब्लू कलर के पीछे यहाँ पर ग्राफिक्स दिखा देता हूँ और आपको दोनों तीनों के प्राइसेस भी बता दूँ। तो ये है जी YPZ 2022 DX का नया कलर, जो कि अगर आप देखें तो मेरे पास जो YPR है 2017 मॉडल और जो YPR शुरू से नुमैरो 2015 मॉडल सेम वही कलर है। हम इसके ग्राफिक्स की बात कर लेते हैं तो ग्राफिक्स का डिज़ाइन सेम रखे पुराने वाला, लेकिन हम यहाँ पर देखें तो ये ब्लैक कलर कर दिया हुआ है ग्राफिक्स का। और यहाँ पे अगर आप कैमरे में देखें तो लाइट स्काई ब्लू कलर लग रहा है, लेकिन ये असल में सी ग्रीन सा कलर आ रहा है। और ये DX इधर इन्होंने मेंशन किया, DX स्टैंड फॉर डिलक्स, और यहाँ पर इन्होंने यामाहा का कलर जो पहले वाइट होता था इन्होंने इसको गोल्डन कर दिया, तो ये कलर बड़ा ही खूबसूरत है। तो यार आपकी मर्जी है, ये बाइक की प्राइस है 2,16,500, इसकी नई प्राइस आ गई है, पहले इसकी प्राइस थी 2,55,500 और अभी इन्होंने कर दिया 2,16,500, तकरीबन 11,000 शेयर उन्होंने इंक्रीज़ किया है। और ये मेरी बाइक है, अगर आप इसके साथ कलर देखें ना तो सेम यही कलर है, कोई फर्क नहीं है, सेम वही कलर जो है उसके अंदर उन्होंने दिया। तो बुकिंग पे अवेलेबल कह रही है, इनसे मैंने पता किया बुकिंग पे है, लेकिन जहाँ से मैंने रेड और ब्लैक देखी थी वो कह रहे थे फ़ौरन मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको फ़र्क बताता हूँ, जो वहाँ है वहाँ पर मैं देखी थी वो बता रहे हैं 2,30 वो 15,000 ऊपर लेके ऑन बाइक मुझे दे रहे हैं, तो आपको कह रहे हैं कि आप जाकर 15,000 ऊपर दें बाइक ले लें, लेकिन यहाँ पे 2,16,500 देखिए आपको 1 मंथ की बुकिंग का टाइम है, तो 1 मंथ बाद आपको बाइक मिलेगी। तो ये था यार आज छोटी सी रिव्यू वीडियो थी, मैंने कहा मैं बनाऊँ जरूर अपने जो व्यूअर्स हैं उनको जरूर बताऊँ कि नया मॉडल है क्या प्राइस है क्या सारा कुछ है। तो ठीक है, मिलता हूँ फिर आपसे मैं अच्छा लगती नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का ख्याल रखिएगा, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको मेरी लेटेस्ट नोटिफिकेशन जरूर। तो ठीक है, मिलता हूँ फिर आपसे मैं अच्छा लगा। Oh,